हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रही है। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। एंड या अगर आपके पास कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल चूज टू डू दैट एज वेल। सो या लेट्स सी कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रही है। तो पहला कार्ड आ चुका है। लेट्स सी कि पहला कार्ड क्या ऐड कर रहा है। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। आप में से कुछ लोगों के लिए आप खुद फियर में हो या फिर आपके पर्सन फियर में है। उनको लगता है कि आप हर्ट ना हो जाओ। सो कहीं ना कहीं उस फियर के चक्कर में या तो आपका पर्सन जो है फुली गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन में, या फिर आप खुद फुली गिवन नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ हील करने का है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप फुली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर आप जानते हो कि पर्सन जो है कमिटमेंट को लेकर फियरफुल है, या फिर रिश्ते के बारे में बात करने को लेकर फियरफुल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डर है जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं जाने दे रहा है। लेट्स सी कि और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो रही है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये फियर हो सकता है कि कहीं आप हर्ट ना हो जाओ। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके मन में पास्ट को लेकर या पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से कुछ फियर हो सकता है कि आप हर्ट ना हो जाओ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव नोशंस अटैच कर दिए हैं आपने लव लाइफ को लेकर, लव को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। वो फियर, वो चीज़ें भी आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही हैं। तो उन चीज़ों से भी अपने आप को थोड़ा सेट फ्री करो। लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को करंटली ब्लॉक कर रही हैं, और क्या है ऐसा जो आपकी लव लाइफ को करंटली ब्लॉक कर रहा है। लेट्स सी कि और क्या है ऐसा जो आपकी लव लाइफ को करंटली ब्लॉक कर रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव सेल्फ थॉट को लेकर, सेल्फ इमेज को लेकर जो पैटर्न्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, आपकी लव लाइफ को काफ़ी हद तक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कि आपके एंड से हो सकते हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कुछ भी सिनेरियो होता है ना, अजम्पशंस जो होते हैं वो आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, कभी आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, फियरफुल थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव हो जाता है, या उसमें चीज़ें जो है वो ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ऑन एंड ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को बैडली इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप जानते हो कि ये चीज़ें आपकी लव लाइफ को बैडली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लेकिन स्टिल यू डू दैट। सो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप जानते बूझते हुए भी वो चीज़ें कर रहे हो, उन पैटर्न्स में हो जो आपको पता है आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। चाहे वो फाइट करना है, चाहे वो आर्ग्यू करना है, चाहे वो बार बार किसी चीज़ की जिद लगाना है, आपको पता है कि क्या वो चीज़ें जो आपके पार्टनर को इरिटेट करती हैं, लेकिन स्टिल आप वो चीज़ें करते हो। अगर आप बात करें अगर आप सिंगल हो उन लोगों की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव नोशंस अटैच कर देना और उस नोशंस के साथ चलना, उन माइंडसेट्स के साथ चलना, वो ऑलरेडी एक नेगेटिव पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ डिस्ट्रक्टिव वे में चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब होता जा रहा है, कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो है वो खराब है, उसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। नॉट फॉलोइंग योर हार्ट। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप अपने दिल की नहीं सुनते हो, आप हमेशा दिमाग से काम लेते हो, आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जो दिल की नहीं सुनते हैं, जहाँ पे वो दिल की नहीं सुन के मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, अपने माइंड की ज़्यादा सुनते हैं, दिल की बात को इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपकी लव और आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन नेगेटिव वे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। आप अगर आपके दिल में कुछ है तो आप उसको कहते नहीं हो, आप अपने दिल को, दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हो, आप अपने दिल की आप कहीं ना कहीं ईगो को सुनते हो ज़्यादा। सो वो चीज़ भी है जो आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली ब्लॉक कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है। लैक ऑफ अलाइनमेंट विद लव। अगैन
जहां पे नेगेटिव नोशंस की बात आती है ना, वहां पर, या जहां पे फियर्स की बात आती है, लव से रिलेटेड फियर्स जो हैं वो आपको अलाइनमेंट में रख ही नहीं पा रहे हैं लव से. लव इज एन एनर्जी, आप भी एनर्जी हो, लव भी एनर्जी है. कहीं ना कहीं आपकी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है. आपका बिलीफ है कि लव, अगर आपका बिलीफ है कि आपको प्यार मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड जो है वो ऐसा है ही नहीं कि आप लव की साथ अलाइंड हो. आपका बिलीफ जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप चाहते हो कि आपको कोई प्यार करने वाला मिले, बट एट द सेम टाइम यू बिलीव कि यू आर नॉट लवेबल, तो कहीं ना कहीं वो एक एक डिस्कनेक्ट है उसमें. सो जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा आपका लव के साथ, तो तब तक आप लव को लेकर रिसेप्टिव नहीं होगे, और रिसेप्टिव नहीं होगे तो लव आएगा भी नहीं. तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अलाइनमेंट है लव के साथ. नेगेटिव नोशंस जो अटैच कर दिए हैं लव के साथ, तो उसकी वजह से भी एक नेगेटिव माइंडसेट है, फियर है, अजम्पशंस हैं जो कि आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप अगर वर्क करोगे तो आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप चाहते ये हो कि पर्सन आपको प्यार करे, पर्सन आपसे बात करे, पर्सन आपके साथ रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसकी होने की पॉसिबिलिटी कम लगती है. तो अगेन, जितना ज़्यादा आपका फियर बढ़ेंगे या आपको लगेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो उतना आपकी जो जो फियर्स हैं वो डोमिनेंट होंगे, और जो आपको फियर है कि ये तो हो नहीं सकेगा, वो उतना जो है वो नहीं होगा. सो ये कहीं ना कहीं अपने आप को वर्क, अपने अंदर चीज़ों को वर्क करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकेंगे. लेट्स सी कि लास्ट टू कार्ड्स देखेंगे, और क्या है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है, और ऐसा क्या है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है. अनवर्दीनेस, अगेन जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपको प्यार तो चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप प्यार के काबिल नहीं हो, इसीलिए आपके पास पर्सन ने आपको छोड़ दिया, इसीलिए आप अभी तक सिंगल हो, इसीलिए आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ अच्छा नहीं है, वो आपको चूज नहीं करते, वो थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, वो फैमिली को चूज करते हैं, वो ये है, वो है. कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जो है वो इतना ज़्यादा सोचते हो कि आपका जो नेगेटिव एफर्मेशंस है, सेल्फ टॉक है नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको एक और अनवर्दीनेस जो है वो फील होती है. आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ भी हो सकते हो, जिसकी वजह से जैसे आप प्यार फील जो करना चाहते हो वो आपको फील ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो पर्सन आपको अनवर्दी फील कराता है, और उसी वजह से आप लव के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हो. तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप रॉन्ग पर्सन के साथ भी हो सकते हो, एक ऐसे पर्सन के साथ जो, जिसके साथ होना आप जानते हो कि वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है, पर्सन आपको इमोशनली स्कार कर रहा है, लेकिन स्टिल आप उस इंसान के साथ हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन हो सकता है एक रॉन्ग पर्सन के साथ होना, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है ब्लॉक हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन के साथ अलाइंड हो जो कि आपको अनवर्दीनेस वाली फीलिंग दे रहा है, लव की फीलिंग नहीं दे रहा. तो लव की फीलिंग तभी मिलेगी जब आप खुद को लव करोगे, खुद को चाहोगे, और ऐसे पर्सन से अपने आप को दूर करोगे, ऐसे पैटर्न से अपने आप को दूर करोगे जो कि आपके लिए अनहेल्दी है. लेट्स सी लास्ट कार्ड, और क्या चीज ऐसी है जो आपकी लव लाइफ को करंटली ब्लॉक कर रही है. अनप्रोसेस्ड पास्ट ट्रामाज, अगेन पास्ट में से निकले नहीं हो, पास्ट में से हील नहीं किए हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ फर्दर ब्लॉक हो रही है. सो ये आपकी अपने पास हो सकते हैं, आपकी फैमिली के पास हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स का होना, पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स का अच्छा ना होना, तो इस तरह के कुछ अनप्रोसेस्ड जो है पास्ट ट्रामाज हैं, जिसको आप वैसे तो सोचते नहीं हो, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं उनका एक अच्छा खासा इंप्रेशन बना है, आपके माइंड में एक अच्छा खासा एक इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से आप लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो. तो इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैच करना है, हील करना है. जब आप इन सब पे वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आपकी लव लाइफ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकेगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.